अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उपभोक्ताओं के ऊपर जब कभी शोषण की बात होती है तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उस पर कार्रवाई करके उस अपने उपभोक्ता को उसको बचाने का काम करती है। इसी क्रम में आज ब्रज प्रांत सम्मेलन जो आज आयोजन यहाँ हो रहा है, जिसकी मैं आज हमारे ब्रज प्रांत के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी आज जिसको संबोधित कर रहे हैं, इसमें आज एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है कि उपभोक्ता के ऊपर विद्युत की दरें लगातार जो बढ़ रही हैं उसको रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है कि विद्युत विभाग अपने बकाया राशि को जो अन्य विभागों पर उसकी जो बकाया राशि है उसको वसूलने का काम करे और उपभोक्ताओं को 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली देने का काम करे, जिससे कि बढ़ती हुई जो दरें हैं लगातार बढ़ रही हैं और जिसका कोई क्राइटेरिया भी नहीं है, तो उसको रोकने के लिए यही प्रस्ताव पारित किया है कि उपभोक्ताओं के ऊपर बढ़ते हुए भार को, बढ़ते हुए वजन को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आज बिजली की दरों से परेशान तो है, लेकिन विभाग का जो बहुत पैसा बकाया है अन्य विभागों पर उसको वसूल ले तो उपभोक्ताओं को 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिले, जिससे कि उसका उसके ऊपर भार कम हो। इस प्रस्ताव के साथ ही होने वाले 8, 9, 10 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन होगा उसके लिए भी आज यहाँ एक बैठक में विचार विमर्श और जिम्मेदारियाँ सभी प्रांतीय पदाधिकारियों को देने का कार्य किया जा रहा है कि जो एक वृद्ध जो कार्यक्रम होगा जिसमें 1 लाख से ज़्यादा संख्या दिल्ली में उपस्थित रहेगी, तो उसकी भी जिम्मेदारियाँ आज इस बैठक में प्रांतीय सम्मेलन में दी जा रही है। देखिए, ये आज विद्युत आयोग को ये आपका जो पावर कॉरपोरेशन है, पावर कॉरपोरेशन यूपी का, और उसको यही है कि उनका करोड़ों रुपया जो बकाया है अन्य विभागों पर उसको वसूलने के बाद ये निश्चित है कि इतना पैसा बढ़ाने की और दरें बढ़ाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और निश्चित ही उपभोक्ता की जो टूटती कमर है उससे भी उसे जैसे कि प्रदेश सरकार बचाने का काम करेगी, क्योंकि सरकार ये निश्चित है कि अच्छे काम कर रही है और हर उपभोक्ताओं को बचाने का भी काम कर रही है। इसीलिए इस प्रस्ताव को पारित किया है कि विभाग अपना बकाया राशि वसूल करे और उपभोक्ताओं को लाभ देने का काम करे। डॉक्टर अशोक अग्रवाल, ब्रज प्रांत उपाध्यक्ष, आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की तरफ से ब्रज प्रांत की आगरा में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसमें प्रांत के 12 जिलों को सम्मिलित किया गया है। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय दिनकर जी भी आगरा में आने वाले हैं, रास्ते में हैं। मैं इसके माध्यम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ग्राहक पंचायत एक ऐसा अखिल भारतीय संगठन है जिसके माध्यम से हम प्रत्येक घर के अंदर मौजूद हैं। प्रत्येक घर की महिला, प्रत्येक घर का बच्चा, प्रत्येक घर की बहू ग्राहक है और उसके माध्यम से हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस बैठक के अंदर हम एक विशेष अभियान लेके आए हैं कि विद्युत नियामक आयोग बिजली के ऊपर अनाप शनाप पैसे बढ़ाने जा रहा है। हम उसका घोर विरोध करते हैं आज की इस बैठक में, और एक प्रस्ताव बना के प्रदेश के माध्यम से हम मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे, जिसमें हम ये कहेंगे कि किस प्रकार से बिजली की जो 73,000 करोड़ रुपया ग्राहकों का बकाया है उसको वापस करने की जगह आप और हमारे ऊपर लाद रहे हैं। हम उद्योगों के ऊपर पैसे बढ़ा रहे हैं, गृहस्थी के ऊपर पैसे बढ़ा रहे हैं, BPL विद्युत पर पैसे बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ पर पैसे बढ़ा रहे हैं। कितनी महंगी विद्युत करने जा रहे हैं, इसका असर हमारी रोजाना की व्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिए आज विशेष इसकी बैठक के माध्यम विशेष प्रस्ताव हम भेजने वाले हैं प्रदेश को, ताकि ये इसको रोका जाए। ग्राहक ये विद्युत प्राधिकरण मनमानी तरीके से पैसे बढ़ाने जा रहा है। ग्राहक पंचायत के माध्यम से हम इसको विरोध कर रहे हैं। BK अग्रवाल, ब्रज प्रांत अध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ब्रज प्रांत की एक बैठक अतिथि वन में रखी गई है, जिसमें ब्रज प्रांत के 12 जिलों से लगभग 60 कार्यकर्ता इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। और इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है
वो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत को 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, तो उस संबंध में एक स्वर्ण जयंती समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 8, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के छतरपुर में होगा, जिसमें 40 प्रांतों से लगभग 1000 कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो इससे हमारा पूरा वर्ष भर ये कार्यक्रम चलेगा स्वर्ण जयंती का, और हर ज़िले में हर प्रांत में बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे, गोष्ठियाँ की जाएंगी, आयोजन किए जाएंगे, बैठकें की जाएंगी, और ग्राहक पंचायत के संगठन को मजबूत किया जाएगा। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं बैठक में? यहाँ 12 ज़िलों से लोग आए हैं, आगरा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और आपका बरेली, बदायूं, पीलीभीत, इन सभी ज़िलों से लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं।